महोबा के कुलपहाड़ कोतवाली के मुडारी गांव में दबंगों का कहर देखने को मिला, जहां घर से खेत जा रही मां बेटी सहित परिवार के पांचों सदस्यों पर दबंगों ने धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में घायल पांच लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें से दो की हालत नाजुक होने पर उन्हें झांसी रेफर कर दिया गया। मेरी माँ, मेरा छोटा भाई हार जा रहे थे जी खेत पर, वहाँ से मतलब इन्हें दोनों को छेंका और छेंक के फरसे से कुल्हाड़ी से मतलब मारपीट करी है। तो मेरे छोटे छोटे भाई थे, उन्होंने कुछ मतलब यहाँ पे कुल्हाड़ी लगी, यहाँ पे लगी, यहाँ पे भी लगी। बताया जा रहा है कि मामला पुरानी रंजिश का है। दरअसल मोहनलाल की बेटी और कृष्ण दोनों पंजाब में मजदूरी करते थे, किसी दौरान दोनों में प्यार हो गया। इसकी जानकारी जब मोहनलाल को लगी तो उसने अपनी बेटी की शादी कहीं और कर दी। रक्षाबंधन के मौके पर जब वो गांव आई तो किशन ने उसका पीछा किया, जिसको लेकर विवाद हो गया और मोहनलाल ने किशन पर हमला कर दिया। बीच बचाव के दौरान किशन की मां, भाई, पिता भी घायल हो गए। मुड़ारी गांव में एक ओभी जो है लड़की का ही मामला है। कुछ दिन पहले लड़का जो पंजाब में रहता था और लड़की भी संभवतः पंजाब में रहती थी, वहाँ उनमें कुछ संबंध थे, तो वहाँ लड़की के एप्लीकेशन पर वो पंजाब में 3 महीने तक जेल में बंद था। रक्षाबंधन के अवसर पर लड़की जो है अपने घर आई है और संयोग से वो लड़का भी आया हुआ था। तो आज जो है उसके घर वाले, जो लड़की के घर वालों ने कहा कि तुम इधर दिखाई मत दो, तब भी वो चला गया। जाने के बाद जो है लड़की के पिता ने उस पर कुल्हाड़ी से प्रहार कर दिया, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। जो गंभीर घायल हैं उनको झांसी रिफर किया गया है और उसमें जो है विधिक कार्रवाई की जा रही है। हालांकि अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन प्रदेश में दबंगों की बढ़ती दबंगई से पुलिस की कार्यप्रणाली भी कई बार सवालों के घेरे में आ जाती है। R9 TV के लिए महोबा से वाहिद अहमद की रिपोर्ट।